रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तो पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले PACC ऐप ओपन कर लेना, 1000x1250 का एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। उसके बाद मैं PNG दे दूंगा बैकग्राउंड वगैरह, इसको इंपोर्ट कर लेना ऐप में। मैं PNG वगैरह सब पैक का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। तो ये बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद और भी ये जो फायर वाला इफेक्ट दिखा रहा है इसे ऐड करके लीनियर डोज कर देना। उसके बाद यहाँ पे फेड ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ, तो सेम साइज कर लोगे तो फेड तुमको नहीं डालना पड़ेगा। और ये मैं PNG दे दिया हूँ मिलिट्री मैन का, तो ये सब लेकर जैसे मैं कर रहा हूँ फेड वगैरह डाल रहा हूँ वैसे तुम लोग डाल लेना। वैसे मैं फेड डाल दिया हूँ, अगर सेम साइज का तुम लोग बना रहे हो होगे तो ये खुद ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम सन्नी पाजी का PNG ले लेंगे, ये PNG भी मैं दे दूँगा कटआउट तो पैक में। तो इसको सबसे पहले ऊपर लेकर आएंगे और उसके बाद बैकग्राउंड में मैं जो जो लगा रहा हूँ ये टेक्सचर वगैरह ये भी मतलब सब में मैं ऑलरेडी जो भी करना था मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे फेड वगैरह डाल चुका हूँ, बस तुम्हें इंपोर्ट करके ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, अगर स्किप करते हो तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, तो इस वीडियो को तो लाइक करना ज़रूर बनता है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सब। उसके बाद मैं PNG वगैरह जैसे लगा रहा हूँ वैसे तुम लोग सेट करना। और यहाँ पे मैं एक लाइट इफेक्ट दे दूँगा, इसको लीनियर डोज करके सेट कर लेना अच्छे से। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर लेना उतना। उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर का PNG दे दिया हूँगा, इसे भी सबसे नीचे वाले लेयर पे लेयर देख लेना किस लेयर के नीचे कौन सा लेयर है। उसके बाद फिर से हेलीकॉप्टर का PNG ऐड करेंगे और उसके बाद हम फ्लैग लगा लेंगे अपना। जैसे जैसे मैं PNG इंपोर्ट कर रहा हूँ, वीडियो अगर ना समझ में आए तो तुम लोग प्लेबैक स्पीड कम करके स्लो करके देख सकते हो। तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर लेना भाई। और यहाँ पे ये ऐप का नेम नहीं पता, बहुत सारे वेगनर होंगे, तो ये ऐप का नेम PACC है और इसे तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। हमारा इसके ऊपर ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल वीडियो भी है। और यहाँ पे सन्नी पाजी का फोटो सेलेक्ट करके सेचुरेशन वगैरह बढ़ा के कर्व्स वगैरह डाल देना जैसे मैं डाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे हेलीकॉप्टर का तो हम लोग सब कर ही चुके, तो इसको हटाओ। वापस से हम एम्प्टी लेयर एक क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक सन्नी पाजी के ऊपर यहाँ पे ब्लैक कलर से इसे फिल कर देंगे। और यहाँ पे पूरा ब्लर डाल देना है, जैसे मैं ब्लर डाल रहा हूँ गॉसियन ब्लर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इसका सेलेक्ट पिक्सल करेंगे सन्नी पाजी का इमेज का, उसके बाद एम्प्टी लेयर देकर उसके ऊपर इन्वर्स करके कलर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लर डाल देना गॉसियन ब्लर। उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे ग्लो डाल रहा हूँ वैसे तुम लोग कर लेना, सेलेक्ट पिक्सल करके एक्सट्रैक्ट करके इसे लीनियर डोज कर देना। और यहाँ पे थोड़ा ब्लर मैं जैसे 2 का डाल रहा हूँ वैसे सेम अमाउंट में डाल लेना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दिया हूँ मैं, हो सकता है किसी को समझ में ना आए तो मैनेज कर लेना। वैसे ही ये वीडियो मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ थोड़ा वीडियो को। तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे देख लेना और ग्लो वगैरह खुद से मैनेज कर लेना भाई, क्योंकि वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा रात में बना रहा था तो जल्दी जल्दी बनाया हूँ। ग्लो वगैरह देख लेना, थोड़ा ज़्यादा कम ये सब मैनेज कर लेना। ये ग्लो इफेक्ट मैं दिया हूँगा, इसे लेकर आना है सन्नी पाजी का जैसे मैं लगा रहा हूँ डुप्लीकेट लेयर करके दोनों साइड ऐसे लगा कर पहले ब्लर डाल देना यहाँ पे और दोनों साइड लगा देना कंधे के। तो यहाँ पे मैं जैसे लगा रहा हूँ दोनों साइड वैसे लगा लेना। अगर ग्लो ज़्यादा कम लगे तो मैनेज कर लेना भाई खुद से, क्योंकि ये वीडियो मैं रात में बनाया हूँ, सही बता रहा हूँ 2 या 3 बजे रात को। तो तुम लोग भाई जैसे मैं सेट कर रहा हूँ वैसे कर लेना, बहुत ही मतलब ग्लो का अमाउंट हो सकता है किसी में ज़्यादा किसी में कम हो तो मैनेज कर लेना। लाइट रूम से भी अगर CC करने का मन हो तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी मत करना ताकि टट्टी लगे। उसके बाद मैं एक स्मोक इफेक्ट दे दूँगा जिसे तुम्हें स्क्रीन करके नीचे लेकर आना है और इसको थोड़ा अच्छे से सेट करना। मैं वैसे नहीं किया हूँ, तो मैं लास्ट में कर लिया था इंपोर्ट करके, लेकिन यहाँ पे नहीं किया हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ थोड़ा अच्छे से करना ताकि पूरा पोस्टर में अच्छे से दिखे ये स्मोक इफेक्ट। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा सेम टू सेम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फोटो लाइब्रेरी में आकर मैं फिर से ग्लो का PNG ले लूँगा, लीनियर डोज करके इसे नीचे लेके आना है
और ये पीएनजी जो दिया था आर्मी, बहुत सारे पीछे में जो लड़ रहे हैं वहाँ पे ये पीएनजी को डालकर के नीचे डालकर यहाँ पे लीनियर डोज करके ग्लो डालना है, यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्लो डाल लेना तुम लोग लीनियर डोज करके, जितना अमाउंट का मैं ग्लो डाल रहा हूँ। और इसका डुप्लीकेट करके दूसरे साइड भी हम लोग ट्रांसफॉर्म करके ले लेंगे, तो यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं हम लोग, और इसको फिर से डुप्लीकेट करके हम दूसरे जगह लेके डुप्लीकेट करके यहाँ पे डालेंगे ग्लो। तो यहाँ पे देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे फिर से हम डुप्लीकेट करके ग्लो डाल के मर्ज डाउन कर लेते लेयर को, क्योंकि लेयर बहुत ही ज़्यादा भर जाएगा तो लेयर इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे फोटो लाइब्रेरी में जाकर हम और भी इमेज जो भी पीएनजी हो उसे इंपोर्ट कर लेंगे। गदर का टेक्स्ट हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते, ये भी मैं पीएनजी में दे दूँगा। और इसे बहुत ही अच्छे से सेट करना पड़ेगा ताकि हमारा ये पोस्टर का पीछे वाला ये कटआउट जो निकाला हुआ है, ये मैं कटआउट निकाला था तो ये ना दिखे टेक्स्ट में, ये वाला जो पोस्टर में ये टेक्स्ट दिखे, इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगा यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सेट करना पड़ेगा, देख लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद इसका लीनियर डोज कर देंगे हम लोग। उसके बाद पहले ग्लो ग्लो या ब्लड मत डालना, इस यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ऐसे मत करना, पहले लेयर मर्ज कर लेते हैं। हमारा लेयर फुल हो चुका है, दो तीन लेयर एक बार मर्ज कर लेंगे। उसके बाद इस यहाँ पे दो मतलब डुप्लीकेट कर लेंगे, इसको लीनियर डोज करके हम यहाँ पे ब्लर डाल देंगे। और उसके बाद नीचे वाले का सेलेक्ट पिक्सल करके एक्सट्रैक्ट करके इसका ओपेसिटी कम कर देना, उसके बाद दोनों को मर्ज डाउन कर देना अगर मन हो तो। या उसके बाद नीचे वाले लेयर पे आके ग्लो कर देना, मतलब नीचे वाले टेक्स्ट पे आके। अगर समझ में ना आए भाई तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हो तुम लोग, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मैं बना दिया हूँ वीडियो। उसके बाद एक इफेक्ट दूंगा फायर वाला कुछ ऐसा, इसको इस साइड ला के लगाना है यहाँ पे, मैं जैसे लगा रहा हूँ डुप्लीकेट करके इसे फिर दूसरे साइड भी लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल, या फिर भाई तुम्हारा मन जैसे तुम लगाओ ठीक है। उसके बाद बस मैं अपना एडिटिंग दिखा रहा हूँ, तुम लोग अपना दिखाओ। उसके बाद मैं क्रैक का पीएनजी दूंगा, इसे लाकर इसे मल्टीप्लाई कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और भी क्रैक का पीएनजी तुम गूगल से डाउनलोड करके मतलब लगा सकते हो जैसा तुम्हारा मन हो, अब पोस्टर जैसा बनाना हो। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और देख लूँगा, थोड़ा सबको मैनेज कर लेना है, ग्लो वगैरह ज़्यादा हो कम हो मतलब ये सब मैनेज कर लेना, देख लेना जो भी हो। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक ट्रांसफॉर्म में करके अपना वाटर मार्क लगा देते, वैसे मैं लगा रहा हूँ बस, इसे मैंने अपलोड करूँगा नहीं इंस्टा वगैरह पे ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेता हूँ मैं। उसके बाद ब्लड वगैरह जो दिख रहा है ज़्यादा कम ये कंधे पे, इन दो इसको थोड़ा ब्लर कर देंगे ताकि ये मैनेज हो जाए। बहुत ही ज़्यादा ब्लर लग रहा था ये, बहुत ही ज़्यादा ग्लो आकर बेकार कर दे रहा था पोस्टर को।